वो भी टाइम था। लेकिन उस टाइम का कोई मतलब नहीं था। एक नल से बाल्टी में टपकने के रूप में चिन्हित क्षण, जिसे हमने अपना जीवन कहा। उस टाइम मेरे गांव के लोगों ने मुझसे दूरी बना ली थी, क्योंकि वो बीमारी के फैलने से डरते थे। हालांकि ये बीमारी इसलिए मैं वहां से निकल गया और मुझे आश्रम का रास्ता मिल गया। ट्रीटमेंट से पहले हम लास्ट जेनरेशन हो सकते हैं जो सफर कर रहे हैं फिजिकल इफेक्ट्स से। ये मेरी होप है। अस्वस्थ महसूस करता हूं मैं। धनजी की तरह क्लीन एंड प्योर होना चाहता हूं। जैसे टाइम चलता है दित्तू, वैसे ही पानी भी बहता है अपने शक्तिशाली वेग से, वो भी सतत, कभी ना खत्म होने वाला। इसके अगले साइकिल में ये अगला जीवन है। हम